देख सकते हैं ढेर सारे हमने कच्चा केला ले लिया है। इसके लिए ना आप हाथों में सबसे पहले सरसों तेल देखिए अच्छे से लगा लें, क्योंकि अगर आप नहीं लगाएंगे ना तो इसमें ना दूध होता है कच्चे केले में, जिससे आपके हाथ चिपचिपे हो जाएंगे। और अगर आप सरसों तेल लगा लेंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। अब आप इसके ऊपर नीचे से अच्छे से नाका काट दें। अब इस तरीके से आप अच्छे से छील लें इसे। हाथों में तेल लगाए ना कोई प्रॉब्लम नहीं होगी अब आपको छीलने में। बस इसी तरीके से आप चाकू की मदद से कच्चे केले को छील लें। बिल्कुल मार्केट जैसे बनाना चिप्स बनेगी और आप इसे एक दो महीने आराम से स्टोर करके रख सकते हैं। बहुत ही क्रिस्पी भी बनेंगे ये और कोई प्रॉब्लम नहीं होगी आपको ये बनाने में। मार्केट से बढ़िया घर पर बने एकदम शुद्ध बनेंगे ये घर पे बहुत ही अच्छे से। चलिए तो जान लेते हैं इसे बनाने का बहुत ही अच्छा सा तरीका। इसे आपने छील लिया, अब इसे आप पानी में डालकर रखते जाएं। जब तक आप काट रहे हैं पानी में डाल लें ताकि ये काले बिल्कुल ना पड़े। इसी तरीके से आप सारे केले को काट करके पानी में डाल लें। तो नॉर्मल पानी में ही हमने केले को डाला था, पानी में हमने कुछ भी यूज़ नहीं किया था। अब हम केले को निकाल लेते हैं और किसी सूती कपड़े पर आधे घंटे के लिए सुखा देंगे। आप इसे 10 मिनट के लिए भी सुखा सकते हैं। सुखा इसलिए रहे ताकि इसमें थोड़ा भी पानी नहीं रहे। अब इसी तरीके से इसे छोड़ देंगे थोड़ी देर के लिए। साइड में हमने रिफाइन ऑयल को गर्म कर लिया है। अब हम गैस की फ्लेम को लो कर देंगे और लो फ्लेम पर हम सारे इसमें जो चिप्स हमने काट के रखे हैं उसे दो तीन बैच में बनाएंगे वो डाल लेते हैं। अब हम इसे चला लेंगे। इसे आपको लो मीडियम फ्लेम पर ही अच्छे से फ्राई करना है ताकि ये क्रिस्पी हो। हाई फ्लेम पे करेंगे तो ये जल जाएंगे और क्रिस्पी नहीं होंगे। इसी तरीके से अब आप उसे लो मीडियम फ्लेम पे होने दें फ्राई। इसे हमने एक पतीले में निकाल लिया है। ये देख सकते कितने अच्छे से फ्राई हो चुके हैं। देखिए कितना क्रंची और पूरा अंदर तक ये सिक चुका है। आप देख सकते हैं, देखिए कितना आवाज हो रही है, अंत तक सिक गया। अब हम इसमें डालेंगे कुछ मसाले। एक छोटी चम्मच काला नमक, एक चम्मच आमचूर पाउडर और एक चम्मच लाल मिर्च पाउडर। अब इसे अच्छी तरीके से मिला लेते हैं। हमने इसमें मसाला मिला लिया और देखिए कितने मस्त से बनाना के चिप्स तैयार हो गए। ऐसी रेसिपी जानने के लिए हमारे चैनल को करें सब्सक्राइब। अगर आपको रेसिपी पसंद आई हो तो लाइक करना ना भूलें। थैंक यू।